योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कई राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम शामिल रहा। नीतीश कुमार यहां पहुंचे तो सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके की एक तस्वीर पर काफी चर्चा हो रही है। तस्वीर उस वक्त की है जब बिहार सीएम नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे और उनका सामना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हुआ। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने झुककर पीएम मोदी को नमस्कार किया। इधर इस फोटो पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने तंज कस दिया। आरजेडी ने नीतीश का एक पुराना बयान निकाल लिया और ट्वीट किया, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब बस मिट्टी में लेट कर पैर पकड़ना ही बाकी बचा है। आज की तस्वीर। इसके पहले आरजेडी ने इससे जुड़े एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया था। इसमें तस्वीर के बैकग्राउंड में नीतीश कुमार का साल 2013 का वो भाषण चल रहा है जिसमें उन्होंने भाजपा में दोबारा शामिल ना होने की बात कही थी। बेलागंज से आरजेडी विधायक ने भी इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तस्वीर साझा करते हुए जो लिखा वो भी बता देते हैं। तेरी दस्तार पर सब हंस रहे हैं, मियां सरकार पर सब हंस रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के अलावा सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस तस्वीर पर जमकर कमेंटबाजी की। साथीवाल अरुंगम नाम के एक यूजर ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी की दो अलग अलग तस्वीरों की तुलना करते हुए अपने ट्वीट में जो लिखा उसका अनुवाद कुछ ऐसा होगा, नीतीश कुमार का 10 वर्षों में पतन, एक समय पर उनका नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए लिया जाता था, अब वो कहीं नहीं है। नीतीश कुमार इस बात का क्लासिकल उदाहरण है कि कैसे भाजपा मजबूत नेताओं को साइडलाइन कर मोदी को प्रोजेक्ट करती है। दीवाना देव नाम के एक यूजर ने लिखा, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार ही मोदी के चरणों में झुका हुआ है। नीतीश कुमार के जिस भाषण पर अब विपक्षी पार्टी निशाना साध रही है वो साल 2013 में बिहार विधानसभा का है। उस वक्त जेडीयू और बीजेपी के बीच दरार पड़ी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था, किसी भी परिस्थिति में मेरा लौटने का भाजपा के साथ गठबंधन के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं रहूं या जाऊं, लेकिन अब तुमसे बीजेपी भविष्य में कोई समझौता नहीं हो सकता, यह असंभव है। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। इसी भाषण के आधार पर अब आरजेडी नीतीश कुमार को घेर रही है। खबर लिखे जाने तक जेडीयू की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी श्वेता ने। मेरा नाम है आस्था, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और डी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।